जानता संग। आज हम बताएंगे आपको योगा के महत्व और ये हमारे जीवन पर कैसे इफेक्ट डालता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर मनाया जा रहा है। योगा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के योज शब्द से हुई है, इसका मतलब है जुड़ना। भारत में योग की शुरुआत करीब 10 साल पहले की बताई जाती है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में भारतीय महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र पुस्तक लिखी। आधुनिक युग में इसका महत्व बहुत ही अधिक हो गया है, यहाँ तक कि योग को एक विषय के रूप में लिया जाने लगा है। योगा का अर्थ है एनर्जी तथा शक्ति की बढ़ोतरी। योगा करने से इंसान के शरीर की सारी थकान, कमजोरी और निगेटिविटी खत्म हो जाती है। योगा के जरिए हम अपने शरीर को मजबूत और लचीला बना सकते हैं। योगा करने से हमारे शरीर में एक पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और एनर्जी भी आती है, जिससे हमारी बॉडी हर वक्त फ्रेश और हल्का फील करती है और हम अपने हर लम्हे को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। योगा हमारे शरीर के पोस्चर, सांस लेने के तरीके, इंटेंशन और बॉडी के हर पार्ट को मजबूत करने में मदद करती है। योगा करने से हमारे शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग भी मजबूत होता है। योगा 40% हमारे फिजिकल बॉडी पर इफेक्ट करता है, 40% हमारे इमोशन एक्टिविटी पर इफेक्ट करता है, 10% हमारे इंटेलिजेंस पर इफेक्ट करता है और 10% मेडिटेशन एक्टिविटी के जरिए हमारी पूरी बॉडी और माइंड के थकान को बाहर निकालता है। जब हमारे मन और शरीर की सारी थकान और गलत एनर्जी निकल जाती है तब हमारा मन योग साधना में अपने आप लगने लगता है। हमारे स्ट्रेस लेवल के अकॉर्डिंग योगा में अलग अलग आसन होते हैं। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।